अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आलिया, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया लाइव व्लॉग। तो मैं और यूसुफ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आज हम दोनों अकेले जा रहे हैं, इसके पापा नहीं जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ सिटी फ्लोर, है ना यूसुफ? हम कहाँ जा रहे हैं? फिर से घूम हो गया ये। तो बिल्कुल यूसुफ रेडी है जाने के लिए। तो मैं और यूसुफ वेट कर रहे हैं चची का, मतलब मैं और चची जाएंगे साथ में अभी सिटी फ्लोर में। ना बकरीद को लेके ऑफर्स चल रहे हैं, तो हमने सोचा जाना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है ऑफर में, तो वो जा रहे हैं लेने के लिए। तो मैं और यूसुफ रेडी है, अभी फादर चची नीचे आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे, है ना यूसुफ? यूसुफ भी वेट कर रहा है। यूसुफ इधर देखो, इधर देखो, हाय करो, हाय हाय गाइस, हाय गाइस। माशाल्लाह कितनी प्यारी ड्रेसेस है गाइस। तो मैं आ गई हूँ और मेरे साथ चची हैं, फहद नहीं आ पाया और बस मेरे साथ चची आई हैं, तो हम लोग हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, बहुत ही सुंदर सुंदर, लॉन्ग शॉर्ट और बहुत अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में, और इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो देखने को भी नहीं मिलते, उस तरह के कलर्स में भी हैं। तो बहुत प्यारा प्यारा मतलब कलेक्शन लगा हुआ है। ईद को लेकर बकरीद है जो कि, तो हर जगह मतलब बकरीद बकरीद छाई हुई है माशाल्लाह, और हर जगह नए नए जो वैरायटीज़ है, ऑफर्स है, हर जगह मिल रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, हालांकि हमने कोई ड्रेसेस नहीं ली, मैंने भी नहीं ली, चची ने नहीं ली, लेकिन हाथ देख के बड़ा दिल करा, क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस मैं पसंद है, अच्छी लगती है, लेकिन मैं अभी नहीं पहनती हूँ। हाँ मैं इंशाल्लाह पहनना शुरू करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं पहन रही हूँ। और यहाँ पर देखिए गर्ल्स की छोटी छोटी ड्रेसेस भी, बच्चों की छोटी छोटी, बच्चों की बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। तो गर्ल्स के कपड़े मुझे बड़े अच्छे लगते, लड़कियों के देख के ना बड़ा दिल करता लेने का, लेकिन लूँ तो किसके लिए लूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, और यहाँ पर पर्स भी बहुत अच्छे अच्छे, ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो काफ़ी सिंपल सोबर अच्छी लगी और कलर भी बहुत लाइट था। तो गाइस यहाँ पे पर्स के भी नए कलेक्शन लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे माशाल्लाह। तो हर जगह नई नई चीज़ें लगी हुई हैं बकरीद को लेके, बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। और ऐसे हम लोग टाइम पे आए ना, ज़्यादा रश भी नहीं था शॉप में, तो बहुत सही लग रहा था, तो वीडियोज़ बनाने में भी ठीक लगा। तो बस यहाँ पर हमने चची ने जो हमें चीज़ें सही लगी तो हमने ली, और हम देख भी रहे थे क्योंकि ऐसी शॉप्स में अच्छा लगता है चीज़ों को देखना, और ये भी समझ आ जाता है कि क्या प्राइस है, तो ये सब समझ आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत ही प्यारा लगा। वैसे तो इसमें का क्वेश्चन मुझे दो तीन लेने का दिल कर रहा था, लेकिन फिलहाल मैंने एक लिया। मैं तुफैल जी को दिखाऊंगी, उन्हें पसंद आएगा ना, तो उनके साथ में लेने आ जाऊंगी यहाँ। तो ये जो शॉप है ना, फाइव रियल के सामने वाली शॉप है, तो इस शॉप में मैं बहुत कम आती हूँ, तो आज मैं चची के साथ थी, तो मैंने कहा चले चची चलते हैं। तो मैं आ गई, और ये वाली जूती तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये दोनों का कलर कितना अलग था, बहुत ही अच्छा लगा, तो बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन मुझे अभी नहीं लेना, इसलिए मैंने नहीं ट्राई किया। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे फूलदान है, बहुत ही सुंदर सुंदर गोल्डन कलर के। यहाँ पर चची स्पून्स देख रही थी, तो माशाल्लाह ये शॉप भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी है। तो फाइव रियाल की शॉप जो है, उससे काफ़ी हद तक ये बड़ी है, बहुत अच्छी शॉप है, और बहुत मतलब प्राइस जो थोड़ा सा हाई है, मतलब ये नहीं कह सकते कि रीज़नेबल प्राइस है, थोड़ा सा इनका प्राइस जो है हाई लगता है, जो चीज़ें हालांकि पाँच रियाल की शॉप में भी मिलती हैं, वो चीज़ें यहाँ थोड़ी सी महंगी है। अगर वो वहाँ पाँच की है, तो यहाँ आठ की, दस की भी हैं, ग्यारह की भी है। तो हमने बस शॉपिंग कर ली, फिर मैं पाँच रियाल की शॉप में चली गई थी, तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। और ये देखें, अगेन यूसुफ ने वहाँ से कार ले ली, इतनी कार होने के बावजूद, और आज तो उसने हद कर दी, एक नहीं दो नहीं चार चार कार उसने डाल दी शॉपिंग बैग में, और उसके बाद रोने लगा वो, पर मैंने जैसे तैसे उसे एक ही दिलाई, तो ये रिमोट वाली उसने ले ली। देख लीजिए कितनी सारी है, ये ऑरेंज वाली ली है, और ऑलरेडी देखिए रेड है उस पर, और वो रेड वाली सब खेल रहा है, देख लीजिए कितनी बदमाशी है बच्चे। मतलब मेरा यूसुफ ना बहुत डिफरेंट था, मतलब बहुत शांत रहने वाला था, लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ आने के बाद। तो यहाँ पे मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग। ये मैंने फाइव रियल की शॉप से बहुत ही सुंदर सा कोम लिया है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, तितलियाँ बनी हुई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो और उसके बाद साथ में मैंने ये मिरर लिया, मेरा जो एक मिरर था ना छोटा सा क्यूट सा, वो यूसुफ ने तोड़ दिया, और उसने ना बहुत ज़ोर से गाड़ी को ना हिट किया, और वो जाके सीधा मिरर में लगी और वो टूट गया। तो मैंने बस एक और मिरर ले लिया, और ये बहुत ही सुंदर मिरर है, दिल दिल बना है। उसके बाद मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा, और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे, और दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें।
तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये 11 का था, 11 12 रियाल का था, यानी 250-300 आप कह सकते हैं इंडिया का प्राइस। और ये मैंने शॉपिंग कैरी बैग्स ले लिए हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो ये मैंने ले लिया है ताकि यूज़ कर सकूँ मैं। उसके बाद ये हिजाब मैंने बहुत पहले नेस्टो से लिया था, आप लोगों को याद होगा जो मैंने पिंक वाला कहा था मैं एक्सचेंज करा दूँगी, मैंने उसी को एक्सचेंज करा के ये रेड वाला लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि मैंने पिंक को चेंज करा के ये रेड ले लिया। मुझे बहुत पसंद आया ये और बहुत अच्छा है घर में भी यूज़ करने के लिए। अभी जितनी ज़्यादा गर्मी है ना उस हिसाब से तो आप कॉटन के और लाइट ही आप हिजाब यूज़ करें तो बहुत अच्छा, तो मैं घर में यूज़ करती हूँ। और एक और मैंने ये अगेन बैग ले लिया है, शॉपिंग बैग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये एक पैकेट में 4 पीस है, तो ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये मैंने अपने लिए नहीं लिया, मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए लिया है ताकि जो भी मैं उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जा सकूँ तो मैं उन्हें इसमें दे सकूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो साथ में मैंने ये अगेन ये ब्रश लिया है, ये कारपेट्स कालीन जो होते हैं जो मैंने ली है उसको क्लीन करने के लिए, तो ये मैंने 2 लिया। ये काफ़ी अच्छा है, जो भी कारपेट्स में आपके डस्ट लग जाते हैं या बाल होते हैं वो घुस जाते हैं उसमें, तो झाड़ू जो होता है ना उससे क्लीन नहीं होता, तो ये ना स्पेशली उसी के लिए ताकि क्लीन अप कर सके कारपेट कालीन को, तो मैंने 2 ले लिया। और साथ में ये कुशन पिलो जो भी आप बोले, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इतनी बढ़िया क्वालिटी में है, तो ये मैंने अपने रूम में यूज़ करने के लिए लिया है। मैं इसे यूज़ करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मेरे रूम में, दिल्ली वाले रूम में 6 पीस का पूरा सेट है और मुझे बहुत प्यार है अपने कुशन पिलोज से, तो मैं ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मुझे ये मिल गया तो बस मुझे अच्छा लगा तो मैं और लूँगी। साथ मैंने गाइस ये मैंने गावा सेट लिए हैं, जो यहाँ गावास पीते हैं, ये टी सेट नहीं है, गावा सेट है, तो ये मैंने वो लिया है। इसमें आप देख सकते हैं डंडी नहीं है जो होती है, क्योंकि ये स्पेशली गावास वाले सेट है जो स्पेशली यही मिलते हैं इंडिया में, आपको ये देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ इस तरह का यूज़ ही नहीं होता है। तो ये मैंने 2 मतलब ले लिया है ताकि एक मेरे पास मेमोरीज़ कह सके या एक याद रह सके मेरे पास कि मैं सऊदी से मतलब मैंने लिया ये चीज़, वहाँ ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ होता है। तो ये मैंने 2 सेट ले लिया जो कि बहुत बढ़िया और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है गाइस, बहुत अच्छा। ये सिर्फ 1150 का है, मतलब 11 रियाल का है ऐसे कुछ का, तो आप इंडिया का प्राइस कन्वर्ट करें तो वही 250-300 होता है, तो इतने सस्ते मतलब इतने कम प्राइस में इतनी बढ़िया क्वालिटी में बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक और लेना पसंद करूंगी, वैसे वहां 2 ही कलर थे, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेना पसंद करूंगी, लेकिन अभी मैंने 2 ही लिया है। साथ में मैंने ये एक और बहुत सुंदर सा रूम में मतलब डालने के लिए लिया है जो कि मुझे अच्छा लगा, गोल्डन गोल्डन सा मतलब कहीं पे भी रखने के लिए एक अच्छा सा लुक दे रहा था, और इसमें आप चाहे तो थोड़ा बहुत वो जो खुशबू रूम में एक फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं ना उस तरह का हम कुछ कर सकते हैं। और ये मैंने माइक्रोवेयर के लिए लिया है, पकौड़े वगैरह या कुछ भी हो जो एक साथ इसमें हम सर्व भी कर सके ईजिली और माइक्रोवेयर में यूज़ भी कर सके, तो मेरे पास यहाँ माइक्रोवेयर और इंडिया में ओवन है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और रमज़ान में जैसे हम पकौड़े कचरी छानते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा परफेक्ट है, ऑयल वगैरह अच्छे से निकल जाएगा। तो ये थी गाइज मेरी शॉपिंग प्रॉपरली, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर की है, तो काफ़ी दिन के बाद मैंने शॉपिंग की है। ये भी मैंने एक मैट टाइप का ले लिया जो कि हम नीचे प्लेट्स वगैरह के नीचे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा इसका कलर कॉम्बिनेशन, तो मैंने ये ले लिया। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की शॉपिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने मिरर के पीछे नोटिस नहीं किया था, बस मैंने दिल दिल देखा था पीछे ना, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बहुत ही अच्छा, मतलब अपनी मतलब फ्रेंड को देने के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है ये। और यहाँ पर अब तो फैल जी मेरे लिए बना रहे गाइस पकौड़े गर्मा गर्म, मेरा है ना मतलब इतनी गर्मी है उसके बावजूद मतलब मेरा दिल करता है मैं कचरी खाऊं, पकोड़े खाऊं, मैं मतलब फ्राइड पटेटोज खाऊं, तो मेरा बहुत दिल करता है, मैंने इनसे कहा मुझे कचरी खाने दो, बस इन्होंने कहा ठीक है अभी बना देते, तो बस इन्होंने खुद ही बनाया सब कुछ गाइस, इन्होंने अनियन कट किया, इन्होंने चिली कट की और इन्होंने बेसन घोरा उसमें मिक्स किया सब कुछ इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया गाइस, तो और सच में बहुत टेस्टी था, बहुत बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। छोटे छोटे बनाए मैंने इनसे कहा, बड़े बड़े बनाए मुझे बड़े बड़े पसंद है, बोले नहीं आज छोटे छोटे खाइए मेरी पसंद का खाइए, तो आज इन्होंने बनाया किचन में घुसकर, जबकि सच में बहुत टेस्टी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
मैं जो यहाँ पर है ना बटर और ब्रेड और बटर खा खा के ना अपना बीपी बहुत हाई कर लिया मैंने, तो अभी मैं ना बटर है ना अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि सॉल्ट होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बीपी की अभी शिकायत हो रही है, तो मैं इस वजह से अभी है ना बटर और ब्रेड को ना अवॉइड कर रही हूँ गाइज़। इसलिए मैं थोड़ा चाय के साथ ना नमकीन और थोड़ा लाइट खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों की चाय चल रही थी और यूसुफ को हमने दिया पकौड़ा खाने को और उसने बस चाय के अंदर डाल दी। उसके बाद गाइज ये है शाम का टाइम, हमने चाय वगैरह पी ली, सब कुछ कर लिया, मैंने फ़िश बाहर निकाली थी और मैं अब यहाँ पर फ़िश फ्राई कर रही हूँ और आज बनाऊँगी मैं फ़िश, ये लास्ट है और इसके बाद देखते हैं अब कब लाते हैं तो फैलजी फ़िश। तो बहुत अच्छे से आज भी फ्राई हो गई माशाल्लाह, को पता नहीं क्या हो जाता है पैन को, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कभी बहुत अच्छी फ्राई होती है कभी नहीं होती, और आज तो इतनी अच्छी फ्राई हुई है ना माशाल्लाह, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। तो आज मैं ना आलू डालने वाली हूँ, तो मेरी मम्मी बहुत शौक़ से डालती है और मेरे भाई नदीम को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी हमेशा उससे पूछती है कि फ़िश में आलू डालूँ कि नहीं, वो हमेशा कहता है हाँ आलू डाल के बनाओ, गोल गोल आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले मैंने फ़िश फ्राई कर ली, उसके बाद आलू फ्राई कर लिए, हल्का सा फ्राई करना है बस और उसके बाद निकाल लेना, और बहुत अच्छा लगता है वो। तो मुझे ना घर की आज याद आ गई, और वैसे ना मुझे टमाटर भी है ना, जैसे एक टमाटर है उसके सिर्फ 4 पीस कट करके डालना पसंद है, लेकिन वो मुझे मेरे तुफैल जी को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं चॉप करके डाल रही हूँ जो कि बिल्कुल मसाले में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत मतलब दिल्ली की जैसा बना रही हूँ तो मुझे घर की याद आ गई, पर मम्मी के जैसा शायद मैं नहीं बना पाऊँ, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मम्मी ना ऐसे आलू कट करके डालती है और सिर्फ 4 पीस टमाटर के डाल देती है, बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ पर देखिए फ़िश भी फ्राई हो गया और पोटैटोज़ भी हमारे फ्राई हो गए। यहाँ पर अब उसी ऑयल में मैंने सरसों डाल दिया है, मैं सिर्फ सरसों यूज़ करती हूँ, मेथी और मेथी मेरे पास था नहीं तो मैंने सिर्फ सरसों का यूज़ किया, जबकि फ़िश में मेथी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया, प्याज थोड़े से ब्राउन किया मैंने, और उसके बाद मैंने उसमें एक बहुत बड़ा सा टमाटर चॉप करके मैंने डाल दिया। इन सब को मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता भूनने के बाद इन सब में मसाले ऐड कर देंगे, जो भी फ़िश में मसाले हैं, अगर आपके पास बाहर वाला फ़िश मसाला वो भी हो तो वो भी डाल दें और अच्छा आएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। इन सब को फिर थोड़ा सा पानी डाल के भूनना है और मसालों को अच्छी तरीके से गलाना है ताकि वो एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। उसके बाद हम उसमें फ़िश ऐड कर देंगे, पोटैटोज़ ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी हमारी ग्रेवी और फ़िश तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह फिश तो कब की बन चुकी थी और अब हम लोग खाना खाने बैठ चुके, तो फैल जी आ चुके थे, फ्रेश हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो फैल जी ने भी देखा जब आलू और फिश में तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उन्हें भी पसंद है आलू और मछली, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करके खाया। और साथ में थे कबाब जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन वाले कबाब थे, लेकिन मैं मतलब अब मना करती हूँ उन्हें लाने को कि ना ही लाए, कम से कम लाए, तो 1 से 2 पीसेज लाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लाते हैं। और मैं मतलब अवॉइड भी कर रही हूँ खाना, लेकिन फिर भी ले आते हैं तो खा ही लेती हूँ, लेकिन यार बहुत टेस्टी होते हैं सच में चिकन के, बहुत यम्मी। और अगर सीख कबाब गर्मा गर्म होना तो और मज़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ़िश भी थी, चिकन वाले कबाब भी थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग खाते हैं पर यूसुफ हमारे साथ नहीं खाता है, पता नहीं उसे क्या हो गया, तो बस हम लोग पार्क चले गए थे। चल रही है दोनों बाप बेटों की मस्ती, यूसुफ और तुफैल जी की इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग, क्योंकि अभी रात का वक्त है, हम लोग रात में खाना वगैरह खा कर आए हैं, 1:30 बज रहे हैं गाइस, और इस टाइम पार्क में कोई नहीं है, मतलब एक आध लोग हैं तो वो मतलब दूर दूर ऐसी घास पे बैठे हैं, कोई मतलब कहीं बैठा है, तो मतलब बच्चे वगैरह नहीं है अभी। तो यूसुफ कहना बहुत अकेला फील कर रहा था कि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं, या बच्चे देख कर ही बच्चे एक दूसरे के साथ देखते हैं ना तो खेलते हैं, तो यहाँ पर यूसुफ ना हमारे साथ बैठा हुआ था, खेल नहीं रहा था। हम कहते जाओ खेलो, क्यों नहीं खेल रहे हो? तो बस तो फैल जी अपने बेटे का साथ दे रहे हैं, निभा रहे हैं, क्योंकि यूसुफ खेले इसलिए वो भी खेल रहा है, साथ में इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे इंजॉय करते करते मुझे एक बच्ची दिख गई माशाल्लाह, जो कि यहाँ पर साइकिलिंग कर रही थी,
तो मैंने कहा देखो इतनी रात को बच्ची यहाँ पर, वो भी लड़की है, कितनी अच्छी बात है। और यूसुफ तुम डर रहे हो, मैंने यूसुफ को यहाँ पर वही बात कह रही थी। और यहाँ पर दोनों यूसुफ और तुफैल जी इंजॉय कर रहे थे, दोनों के कपड़ों में धूल धूल लग गई थी, इतनी ज़्यादा मतलब डस्ट हो गया था दोनों को, दोनों घर जाकर नहाने वाले हैं पक्का। तो यहाँ पर दोनों माशाल्लाह मस्ती कर रहे थे, जो कि मैं देख कर सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और तुफैल जी कह रहे थे यूसुफ को ब्लू स्लाइड पर जाने को, लेकिन नहीं, यूसुफ इज़्ज़त कर रहा था कि नहीं मुझे ऑरेंज पे ही जाना है। ज़िद तो इतनी है ना उसकी, इतना ज़िद्दी हो गया है, बस उसको अपनी मतलब अपनी जिद उसे पूरी करनी है, बस वो इतना जानता है और वो कुछ नहीं जानता। आगे है कि नहीं? वाओ यूसुफ वेल डन। वो रहा वो रहा, एक और एक और लास्ट, ये यूसुफ बताओ ये। अरे वाह, चलो घर चलो। हाँ तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।